तो दोस्तों ये है एयरटेल की थैंक्स ऐप। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कस्टमर केयर बात करना एयरटेल के, तो यहाँ से भी आप नंबर निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कस्टमर केयर नंबर निकालना है तो मैं बताऊँगा कैसे निकलेगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं अपने डायलर से। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप थैंक्स ऐप से बात करेंगे तो ये एक नंबर आपको जो मिलेगा वो ट्रस्टेड नंबर होगा। अगर डायलर से आप डायल करते हैं तो वो कहीं भी आपकी कॉल जा सकती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एयरटेल की थैंक्स ऐप को ओपन कर दिया है, और यहाँ से आपको कस्टमर केयर नंबर निकालने के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मिलेगा मैनेज पे शॉप डिस्कवर, और यहाँ मिलेगा हेल्प। हेल्प पे एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा व्यू ऑल टॉप रिक्वेस्ट चैट नाउ। यहाँ पे चैट नाउ पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, और चैट नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी चैटिंग चालू हो जाएगी। नेटवर्क से संबंधित समस्या यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमें बताएंगे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ये पूछ रहे हैं। तो इनके कुछ विकल्प आ गए हैं, कॉल से समस्या, तो यहाँ से कॉल से समस्या लिख देते हैं। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें रिप्लाई करेंगे, और इन्होंने रिप्लाई किया, और इसमें लिखा है रिप्लाई में, ऐसा लगता है कि आपके सिम में कोई समस्या है, नज़दीकी स्टोर पर जाएं और नया सिम लें। क्या किसी और चीज़ में से आपकी सहायता कर सकते हैं? तो मैं हाँ करूँगा, और यहाँ से हाँ करने के बाद अन्य पे क्लिक करूँगा। अन्य पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है अभी चैटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एक पेंसिल का आइकन था, वहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे टाइप करने के बाद देखिए हम सीधे कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे टाइप किया, और देखिए ऑटोमेटिक ही ये डायलर में ले आए। ये है कस्टमर केयर एयरटेल का नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप कॉल करते हैं एयरटेल को, तो ये सीधे फ्रेंड्स देखिए कस्टमर केयर लग जाएगी, और यहाँ से कस्टमर केयर हमसे बात कर लेगा। कोई दो तीन नंबर यहाँ पे दबाने पड़ते हैं कस्टमर केयर बात करने के लिए, वो सारे नंबर यहाँ पे हम दबाएंगे और उसके बाद हमारी कॉल हो जाएगी। अब देखिए ये तो हमने थैंक्स ऐप से नंबर निकाला, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन फ्रेंड्स आपको अगर दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट ही बात कर लें यहाँ पे कस्टमर केयर से, तो फ्रेंड्स वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे कस्टमर केयर से बात। देखिए यहाँ से मैं बैक करता हूँ, और यहाँ से 198 टाइप किया। अब एयरटेल का नंबर मेरा सिम टू में ही है, तो मैं यहाँ से कॉल करूँगा, और ये कॉल हो जाएगी। देखिए ये कॉल फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है, आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये कॉल हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी। ये कुछ ऑप्शन बता रहे हैं, लैंग्वेज चेंज कीजिए और ये दवाइए वो दवाइए, उसके बाद हमारी कस्टमर केयर यहाँ बात हो जाएगी। तो वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।